नमस्ते, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। संसद के विशेष सत्र में वैसे तो बहुत सारा हंगामा हुआ है, बहुत सी बातों को लेकर विवाद हुआ है, लेकिन अब एक नया विवाद छिड़ गया है। वो विवाद ये है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नई संसद के उद्घाटन के दौरान जो सांसदों को संविधान की कॉपी बांटी गई है उसमें दो शब्द नहीं है, उसकी जो प्रस्तावना है उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट जो शब्द हैं उनको हटा दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से हंगामा हो रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस पर अपना प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि मैं इस मसले पर बोलना चाहता था लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। इसके जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया है कि संविधान की जो कॉपी है उसमें मूल संविधान की प्रस्तावना शामिल है और सेकुलर और सोशलिस्ट जो शब्द हैं उसमें नहीं थे। दरअसल संविधान की प्रस्तावना में ये दोनों ही शब्द 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था उसके ज़रिए शामिल किए गए थे और इसकी एक लीगल प्रोसेस है। अगर ऐसा होता भी है तो संविधान में बदलाव संशोधन के बिना मुमकिन नहीं है। इसका कानूनी पहलू भी है इस पूरे मामले में, जो विवाद आ रहा है इसका एक लीगल पहलू भी हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा पहले ही मान चुका है और ऐसे में अगर इसमें से कोई भी शब्द हटाना है या फिर शामिल करना है तो एक अन्य संविधान संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी। इसको लेकर राजनीति इस मसले को लेकर शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की मंशा सही नहीं है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि हम जानते हैं कि ये शब्द जो है वो 1976 में एक संशोधन के बाद जोड़ा गया, लेकिन अगर आज कोई हमें संविधान देता है और उसमें ये शब्द नहीं है तो ये फिर चिंता की बात है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और बीजेपी की मंशा संदिग्ध है ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है और इस पर कानून मंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अधीर रंजन के आरोपों पर साफ उन्होंने कहा है कि जब संविधान अस्तित्व में आया था तब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे, ये शब्द संविधान के 42वें संशोधन में जोड़े गए हैं। और एक और बात इसमें सामने आई है कि जो भी कॉपी दी गई थी संविधान की सांसदों को उसमें ओरिजिनल प्रस्तावना और जो संशोधित प्रस्तावना है दोनों को ही शामिल किया गया था। तो क्या ये पूरा जो मसला है क्या वो बखेड़ा खड़ा करने के लिए ही था या फिर इसमें कोई ठोस बात थी, ये तो अलग बात है। लेकिन सवाल यही है कि विवादों के बीच अब एक नया विवाद छिड़ गया है और वो है संविधान की इस कॉपी को लेकर, जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस नेताओं की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि संविधान में छेड़छाड़ की जा रही है, संविधान की जो मूल प्रस्तावना है उसके साथ बीजेपी छेड़छाड़ कर रही है, उनकी मंशा पर सवाल उठाए गए हैं और बीजेपी की तरफ से भी इसको लेकर अपनी बात कही गई है कि हमारी मंशा पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को सबूतों पर जाना होगा, फैक्ट्स पर जाना होगा।